क्या है बच्चों? नमस्कार, मैं आजाद सिंह, विशेष अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समरना, आपके सामने वीडियो पेश करता रहा हूँ और आज भी आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश कर रहा हूँ जिसका मकसद आपके जनजीवन से जुड़ा हुआ, पढ़ाई के साथ साथ जनजीवन से जुड़ा हुआ। मेरे टॉपिक का नाम संकट की घड़ी। यह संकट की घड़ी हमेशा हमारे जीवन में कई बार आती है और हम आसपास में देखते भी हैं, सुनते भी हैं और महसूस भी करते हैं कि दिल्ली NCR में इतने झटके लगे या भूकंप आया या उत्तर भारत में ना भूकंप के झटके कारण हिल चुका है, या आपने ये भी देखा होगा कि TV में जो है ना कई बार खबरें आती हैं जिसमें जान माल की हानि होती है। ठीक है, तो ये भूकंप जो है ना हम बार बार सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं कई बार, लेकिन हमारे मन में एक ख्याल आता है, हम सोचते हैं इसके बारे में कि ये हमने देखा है भूकंप है क्या। हम महसूस कर लेते हैं कि कई बार जो है ना गड़गड़ाहट आवाज़ आती है, पंखा हिल जाता है, खिड़कियाँ दरवाजे हिलते हैं, आवाज़ आती है, लेकिन क्यों होते हैं, क्या होता है भूकंप, हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यों नहीं इसके बारे में जाना चाहिए, भूकंप क्या है, क्यों होता है, क्या हमने सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमारी सरकारें भी तरह तरह से जब आपदा होती है तो तरह तरह की जानकारी देती रहती हैं। तो मेरा आज आपके सामने टॉपिक का रखने का विषय यही है कि आपको समय समय पर जो संकट की घड़ी सामने आती है उसे आप लोग कैसे जागरूक हों, इसी विषय में आया तो टॉपिक है। तो भूकंप क्या होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भूकंप क्या होता है। जब हम सामान्य भाषा में यही कह सकते हैं कि जब हमको ये महसूस होता है कि अचानक हमारे जो है खिड़कियाँ दरवाजे पंखे या कोई एकदम से हमारे को महसूस होता है कि हिलने की जैसी आवाज़ आती है तो ये भूकंप होता है। लेकिन पारिभाषिक किस तरह से किया गया है, भूकंप जो है धरती के अंदर अत्यधिक गर्मी के कारण उत्पन्न तनाव वह उसी स्थिति पर अचानक रूप होने के कारण पृथ्वी के स्तर का हिलना या भावना भूकंप कहलाता है। क्या कहा है इन्होंने कि धरती के अंदर अत्यधिक गर्मी जो होती है, किस कारण गर्मी होती है, क्योंकि जब हमारे जो है ना धरती के अंदर अन्य जो है ना खनिज पदार्थ हैं, चट्टानें हैं, ये जो है ना दबे हुए हैं, जिसके कारण जो धरती में उष्मा उत्पन्न होती है वो किसी न किसी रूप में जो ना प्रकट होती है। सेल्स जो हैं वो थोड़ी सी हिलती हैं, महसूस होती हैं, लेकिन जब उसमें दबाव ज़्यादा हो जाता है तो वो कंपन जो है ना महसूस होती है हमारे को ज़्यादा। तो ये जो है भूकंप का मेन कारण रहता है। इसके अनुसार भूकंप को हम जैसे कैसे नापते हैं, क्या इसका मापने का तरीका होता है, इसको सिस्मोग्राफी नाम से ये यंत्र होता है जिसको एक आधुनिक यंत्र है जिसको सिस्मोग्राफी भूकंप मापी यंत्र का नाम है, सिस्मोग्राफी ये यंत्र का नाम है जिसके कारण जिससे हम उसको मापे जाते हैं। और का स्केल क्या माप क्या उसका वो है स्केल, हम सुनते हैं अभी ये कितना वो होता है स्केल, ये एक मापक है जिसमें वो तीव्रता नापी जाती है, जिसकी तीव्रता जो है ना तीव्रता स्केल में मापी जाती है। जैसे 0 से 20 स्केल से तक जो ये इसका तीव्रता होती है ये हमारे को महसूस नहीं होती, क्यों, क्योंकि कंपन होती है ये महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है 0.2.0 से 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट से आगे आगे बढ़ जाती है तो इसके जो ना खतरनाक परिणाम हमारे सामने आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ना खतरनाक माना गया 7.4, 7.8 स्केल का जो तीव्रता भूकंप आता है वो सबसे खतरनाक माना गया है। और हमारे गुजरात के
में भी आया है और इसके अलावा कई बार हमारे इसमें आते रहते हैं या हम लोग ना जानकारी के माध्यम से सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो भूकंप से हमारे को बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है, तो इससे बचाव के हमारे क्या तरीके हैं, क्या क्या हमारे को बचाव करना चाहिए, क्या हमारे लिए उपयोगी होता है। जैसे हमें क्या करना चाहिए जब भूकंप आ जाए, तो ये कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इसके माध्यम से आप देखेंगे। जब भी भूकंप आता है, क्योंकि इसका कोई समय निश्चित तो होता नहीं, जब भी भूकंप आता है तो हमें तो क्या करना चाहिए, जैसे हम घबराए नहीं, पहली तो बात, जैसे भी भूकंप आता है हम घबराए नहीं और अपनी खुली अवस्था में चले जाएं, जैसे गली से निकल के बाहर चले जाएं, या इतना टाइम हमारे को कई बार नहीं मिलता है तो हमारे पास में जो भी मेज है तो उसके नीचे या जो सख्ती है उसके नीचे आप अपने आप को बचा सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। दूसरा, अपनी मनस्थिति को बनाए रखें और घबराए नहीं, ठीक है, और जैसे भी आपको सुरक्षित स्थान मिलता है, कमरे से बाहर आना है या गली से बाहर आना है, आप जो है ना धीरे धीरे कर आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो है ना आसपास के जैसे पशु हैं उनको बचाने के लिए भी आप जो है ना खुला छोड़ सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। यदि आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और आपको मैसेज हुआ कि भूकंप आ गया है, तो आप उसी जगह अपनी गाड़ी को तुरंत रोक दें, खुली जगह में तुरंत रोक दें, और जब तक आपको ये कंपन महसूस होती रहती है तो आप रुके रहें, इसके बाद ही आप अपनी गाड़ी को चलाएं। या आप कहीं चले जा रहे हैं, जाते रहे हैं और आपको महसूस हो गया है कि भूकंप आ रहा है, तो अपने आप को, अपने शरीर सिर को बचाए रखने के लिए ऐसी मुद्रा रखें ताकि आपके हाथ इस तरह से और घुटने के बल लेट जाएं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप सावधानी बरतेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पेड़ हैं या जो खुले तार हैं हमारे वायर हैं उससे जो है ना बचा जाए, आप उनसे दूर रहें, ठीक है। तो ये हमारी काफ़ी वो हैं, तो उससे आप बचाव कर सकते हैं। आप जो है ना खिड़की या कांच की जगह से दूर रहें। इसके अलावा जहाँ पर आप ऊंचाई की जगह पर कोशिश करें जाने की, या ज़्यादातर खुली जगह पर ही रुक जाएं। यदि आप किसी कमरे में रुक जाते हैं या आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो आप अपने मन को चित करके, शांत करके और उपाय ढूंढें, और आप जो ना किसी को बचाव करने की या आवाज़ लगाएं। इसके अलावा आप अपने आप को बचाने के लिए समय समय पर जो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन जो आपके दिमाग में आती है उसका यही उपयोग कर सकते हैं। आपके पास यदि टाइम होता है तो आपके पास जो आपातकालीन फ़ोन नंबर जो हम देखते रहते हैं अपने स्कूलों में लिखे होते हैं या अपने डायरी में लिखे हुए हैं, जो आपको याद आ जाते हैं, तो आप तुरंत जो है ना एम्बुलेंस के पास फ़ोन कर सकते हैं, अपने जो पुलिस स्टेशन के पास फ़ोन कर सकते हैं, या डिजास्टर मैनेजमेंट के पास जो है फ़ोन किया जा सकता है। ये कुछ फ़ोन नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो हमारे आपातकालीन फ़ोन नंबर होते हैं। पुलिस का है 16 नंबर होता है और एम्बुलेंस का है 102
है स्वेग, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपातकालीन सूचना आपातकालीन नंबर होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसका है 108 नंबर। तो ये हमारे फोन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास जो भी संसाधन आपके हैं उसको जुटा के आप ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो अब आप देखो कि आपको सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत होती है, आपके पास क्या क्या जो है ना आपातकालीन किट होनी चाहिए, आपके पास किस तरह की जो है ना किट आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपको कुछ दवाई होंगी, पानी की बोतल होगी या फ़ोन नंबर की डायरी होगी, ठीक है, इस तरह की आपके पास कुछ किट होनी चाहिए जो आपको हर समय वो रहेगी, काम में आएगी, कुछ दवाइयाँ होंगी, टॉर्च होंगे, सेल होंगे, ये चीज़ आपके पास में अपने किट में हमेशा होनी चाहिए। जब आपको ये पता लगता है, जब आप सोचो आप कि यदि भूकंप आ जाए और आप जीवित रहे आप हो, तो आप दूसरों की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। आप यदि सुरक्षित हैं और आपके सामने कोई बंदा है, कोई आदमी है, वो बेहोश अवस्था में पड़ा है, तो आप उसकी सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम समय समय पर जाना सेवाएं दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, भोजन से सहायता कर सकते हैं, आवश्यक दवाई जो हमारे पास में है उससे सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको चिकित्सीय सहायता भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है या सेना के जवान या पुलिस के आते हैं, तो रास्ता दिखाने में आप उनकी सहायता कर सकते हैं, या फूड के पैकेट्स हैं, भोजन के जो पैकेट्स हैं उसमें आप सहायता कर सकते हैं, अपनी जो है ना वॉलंटरी सर्विस दे सकते हैं। आप जिन क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए क्या सावधानी आप हमेशा रखते रहते हैं कि हम जितने भी हल्के से हल्का सामान अपने उसमें यूज़ करें। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप आते हैं वो क्या किया जा सकता है, वहाँ पे हम लो फर्नीचर, कम वेट वाले फर्नीचर का उपयोग करके अपने घर को बना सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सामने एक किट रख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जो हमारे को आपातकालीन स्थिति में काम आ सकती है। जैसे कि आपको पता है कि सरकार द्वारा हमेशा गाइडलाइन या निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन करते हुए आप खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और अन्य जनजीवन को भी सुरक्षित रख के एक समाज में नेक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए, चाहे कोई जन बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, सभी के लिए लाभकारी रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप इस जानकारी को सभी के विषय में साझा करें और इससे संबंधित जो भी जानकारी आप जुटाएं। धन्यवाद।